गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? दिस इज मैथ्स क्लास 5 चैप्टर 2 फोर ऑपरेशंस पार्ट 5। टुडे वी विल लर्न मल्टीप्लिकेशन बाय 10 एंड इट्स मल्टीपल्स, मल्टीप्लिकेशन बाय 100 एंड इट्स मल्टीपल्स, एंड मल्टीप्लिकेशन बाय 1000 एंड इट्स मल्टीपल्स। तो समझ पा रहे हैं, आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन बाय 10 एंड इट्स मल्टीपल्स पढ़ेंगे। 10 से मल्टीप्लिकेशन तो आसान है, और उस 10 का मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल मतलब 10 का मल्टीपल है 20, 30, 40। 10 बन जा 10, 10 टू जा 20, 10 थ्री जा 30, ये सब 10s का मल्टीपल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 10 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 20, 30, 40 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 982674, इतना बड़ा नंबर है, इनटू 10 करना है, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमको क्या करना होता है, इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 के ऊपर एक जीरो लगा हुआ है, इस जीरो को अगर अभी थोड़ा देर के लिए ओमिट कर दें तो क्या बचेगा, 982674 इंटू 1 बचेगा। और एक 1 का प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है 1। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो होता है नंबर इटसेल्फ होता है, मतलब खुद होता है। जैसे आप जानते हैं 5 इंटू 1 करते हैं तो 5 ही आता है। 5 इंटू 1 कितना होता है? 5 होता है। 100 इंटू 1 कितना होता है? 100 ही होता है। इसी ढंग से ये नंबर जो है, इतना इंटू 1 करेंगे तो यही नंबर होगा, ठीक है। तो इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 982674 आएगा, और 10 में कितना जीरो है? एक जीरो जो है, इस जीरो को यहाँ लगा देंगे लास्ट में। तो 10 में 10 होता है, तो क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए, किसी नंबर को लिख देंगे और उसके ऊपर जीरो लगा देंगे उसके राइट साइड में, तो यही आंसर हो जाएगा, है ना, बहुत आसान। इसी ढंग से देखिए नंबर बी, 11311 इंटू 50 करना है। तो 50 क्या है? 10 का मल्टीपल है, 10 5 जा 50। तो 50 मतलब कह सकते हैं कि आप 5 इंटू 10, तो आप इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद एक जीरो लगा देंगे लास्ट में। तो 5 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 5 का टेबल पढ़ के, देखिए 5 का टेबल पढ़ के हम सिंगल लाइन में यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 5 का टेबल तो सबको आता होगा, तो 5 बन जा 5, यहाँ से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 5 बन जा 5, फिर 5 बन जा 5, फिर 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, और फिर 5 बन जा 5 प्लस 1 6, और फिर 5 बन जा 5। तो इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 5 6 5 5 5, और इसके ऊपर एक जीरो लगा दिए, क्योंकि 5 से किए थे, हमको करना था 50 से मल्टीप्लाई, तो 50 में एक जीरो और होगा, 5 10 जा 50 होता है। तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा एक जीरो लगा देते हैं, तो 50 से करना होगा तो 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई और एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। इसी ढंग से आप किसी भी 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 20 से मल्टीप्लाई करना है तो आप इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और उसके ऊपर एक जीरो लगा दीजिए। जैसे 2 का टेबल पढ़ लीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 0 जा 0 प्लस 1 1, और 2 0 जा 0, और 2 8 जा 16। 2 का टेबल पढ़ लीजिए सब डिजिट का, और आ गया 2 से मल्टीप्लाई हो गया, उसके ऊपर एक जीरो लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। इस ढंग से इस नंबर को 90 से मल्टीप्लाई करना, 90 मतलब क्या होता है? 9 इंटू 10 होता है। तो अब 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस नंबर को, ये 1 1 1 1 1 1 1 1 है, और ये 9 से मल्टीप्लाई करना, तो 9 बन जा क्या होता है? 9, तो सारा 1 के बदले क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा यहाँ पर। 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, और इस पर एक जीरो लगा दीजिए, तो ये 90 से आपका मल्टीप्लाई हो गया, है ना, बहुत आसान। अगर आपको 9 तक भी टेबल आता है तो 10 के सारे मल्टीपल से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं आसानी से सिंगल लाइन में। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन बाई 100 एंड इट्स मल्टीपल्स। 100 का मल्टीपल क्या होता है? 200 300 400 होगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर 100 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो इस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से,
सेवन एट फाइव सिक्स फोर को वन से मल्टीप्लाई कीजिए तो सेवन एट फाइव सिक्स फोर आएगा। और हंड्रेड में कितना जीरो है स्टूडेंट्स? टू जीरोज होता है, हंड्रेड में हमेशा क्या होता है? टू जीरोज, तो हमेशा लास्ट में टू जीरोज लगा देंगे, ये आंसर आपका हो जाएगा। इस ढंग से 912306 इंटू 100 इक्वल टू 912306 और टू जीरो लगा दिए लास्ट में। उसी ढंग से अगर 200 से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21311 इंटू 2 करेंगे, है ना। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 और फिर 2 3 जा 6 और फिर 2 बन जा 2 और फिर 2 2 जा 4, तो ये आ गया 42622। और 100 में कितना जीरो है? लास्ट में टू जीरोज बच गया है, ये टू जीरोज लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। इसी ढंग से अगर 12121 को 900 से करना है मल्टीप्लाई तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 बन जा 9, 9 टू जा 18 कैरी 1, 9 बन जा 9 प्लस 110 कैरी 1 और 9 टू जा 18 प्लस 1 19 और 9 बन जा 9 प्लस 1 10, तो आ गया 109089 और लास्ट में दो जीरो, ये दो जीरो लास्ट में लगा दिया, आंसर हो गया। इस ढंग से आप मल्टीप्लिकेशन बाय 1000 भी कर सकते हैं, 1000 के मल्टीपल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा। 1000 से करना है तो आप 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 1234 इंटू 1, 1234 हो गया। और 1000 में अभी ध्यान देना है कि 3 जीरोज है, 1000 में कितना होता है? 3 जीरोज होता है, तो लास्ट में हमेशा 3 जीरोज लगाना है। अब 2000 से मल्टीप्लाई करना है नंबर को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और लास्ट में 3 जीरो लगा दिए, 2 का टेबल पढ़ लेंगे, 2 वन जा 2, 2 फोर जा 8, 2 3 जा 6 और 2 टू जा 4, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और लास्ट में 3 डिजिट लगाएंगे, 3 जीरोज लगाएंगे। तो इस ढंग से आप 10,000 1 लाख से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 लाख के मल्टीपल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आसानी से आप समझ गए होंगे कि जितना जीरोज होता है वो लास्ट में जीरोज लगा देते हैं, उसके पहले जो डिजिट होता है उसको से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका टेबल पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इस तरीके मल्टीप्लीकेशन को आप आसानी से कर पाएंगे, इसको कॉलम में लिखने का ज़रूरत नहीं है इस तरीके का मल्टीप्लीकेशन को। अब देखिए डिवीजन, डिवीजन क्या है आप जानते होंगे, डिवीजन इज ए प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन का सिंबल भी जानते होंगे कि ये डिवीजन का सिंबल है। डिवीजन का कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको याद कर लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एनी नंबर डिवाइडेड बाई इट सेल्फ गिव्स वन। पहला प्रॉपर्टी है डिवीजन का कि किसी भी नंबर को खुद से, खुद उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर वन आता है, मतलब कोशेंट वन आता है। जैसे 1567 डिवाइडेड बाय 1567 इक्वल टू कितना हो जाएगा? वन। 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा? वन। मतलब किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है? वन आता है। तो ये पहला प्रॉपर्टी है, याद रखेंगे, इसको डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी याद रहेगा तो। नंबर टू, एनी नंबर डिवाइडेड बाई वन गिव्स द नंबर इट्सेल्फ। अब किसी नंबर को वन से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? नंबर इट्सेल्फ होता है। किस जैसे किसी नंबर को वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर इट्सेल्फ होता है, उसी ढंग से किसी नंबर को वन से डिवाइड भी करते हैं तो नंबर इट्सेल्फ आता है आंसर, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 1 किए तो 1 2 3 4 5 आया, 9 8 7 6 डिवाइडेड बाई 1 किए तो 9 8 7 6 आया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा रिजल्ट में, है ना। मीन्स कि 5 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 5 ही होगा, 100 डिवाइडेड बाई 1 100 ही होगा। तो वन से डिवाइड करने पर भी नंबर में कोई अंतर नहीं पड़ता है, सेम नंबर आंसर आता है, और वन से मल्टीप्लाई करने पर भी नंबर में कोई अंतर नहीं आता है, सेम आंसर आता है। थर्ड प्रॉपर्टी है डिवीजन का, जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर रिजल्ट्स इन जीरो। किसी भी नंबर को जीरो से जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट जीरो आता है। जैसे 0 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाय 5000 इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाय 234 इक्वल टू 0। तो 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। क्योंकि किसी भी नंबर का टेबल जीरो टाइम्स पढ़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाय 5 मतलब 5 जीरो जा 0, इसलिए जीरो ही आंसर आएगा।
और फोर्थ प्रॉपर्टी है अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे 456 डिवाइडेड बाय जीरो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीरो का टेबल कितना बार भी पढ़ेंगे, 10 टाइम्स 100 टाइम 1000 टाइम, तो ज़ीरो ही आएगा, 456 तो नहीं आएगा। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, है नॉट डिफाइंड है, इनफाइनाइट इसको बोलते हैं, इनफाइनाइट आ जाएगा। जैसे जीरो डिवाइडेड बाय फाइव डिवाइडेड बाय अगर जीरो करेंगे तो क्या आएगा, ये नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि जीरो का टेबल आप कितना बार भी पढ़ेंगे तो फाइव नहीं आएगा। जीरो को फाइव से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फाइव को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दोनों अलग अलग है ना। ये एग्जांपल प्रॉपर्टी नंबर थ्री और फोर दोनों डिफरेंट है, समझिएगा। यहाँ प्रॉपर्टी नंबर थ्री में है कि जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज जीरो, और प्रॉपर्टी नंबर फोर में है कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, ए इनफाइनाइट इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी ढंग से आप देखते हैं डिवीजन बाय 10, 100, 1000, जैसे मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100, 1000 से अभी पढ़े, उसी ढंग से डिवीजन बाय 10, 100, 1000 भी करना आसान है। बिना लॉन्ग प्रोसेस के हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। किसी नंबर को 10 से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, जैसे 3, 5, 2, 4, 9 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 में ध्यान रखना है, 10 में कितना जीरो है, फिर वही 10 है, तो लास्ट का वन डिजिट जो है, ये देखिए इसको बॉक्स में रख दिए, ये रिमाइंडर हो जाएगा। किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट वाला डिजिट जो होगा वो रिमाइंडर हो जाएगा, और बाकी जो डिजिट बचेगा उसके लेफ्ट में, जैसे बचा 3, 5, 2, 4, ये कोशियंट हो जाएगा, तो 3, 5, 2, 4 ये कोशियंट हो गया और 9 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। जैसे 607148 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 में एक जीरो होता है, तो लास्ट का वन डिजिट जो है रिमाइंडर हो गया, है ना, इसको रिमाइंडर लेफ्ट ओवर नंबर 8 बचेगा, और कोशियंट हो जाएगा 60714, यहाँ पर कोशियंट लिख दिए। इसी ढंग से अगर आप 100 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरोज होता है, तो लास्ट का 2 डिजिट को बॉक्स में डाल दिए, ये देखिए रिमाइंडर हो गया। अगर 100 से डिवाइड करें किसी नंबर को तो ये यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट रिमाइंडर बचेगा, मतलब 79 रिमाइंडर हो गया, और बाकी जो बचा 11536 ये आपका हो गया कोशियंट। तो इसी ढंग से 58073 डिवाइडेड बाई 100 है, तो लास्ट का 2 डिजिट रिमाइंडर हो गया 73, यहाँ पर लिख दिए, और बाकी बचा 580, एक कोशियंट हो गया। इसी ढंग से आप 1000 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो 1000 में कितना डिजिट है, कितना जीरोज है, 3 जीरोज है, तो लास्ट का 3 डिजिट्स जो है आपका रिमाइंडर आएगा, तो 389 यहाँ पर रिमाइंडर लिख दिए, बाकी जो बचा 2401 ये आपका कोशियंट हो गया। तो इसी तरीके से आप 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, 10000 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लाख से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर 100000 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो 100000 में 5 जीरोज होता है, तो लास्ट का 5 डिजिट आपका रिमाइंडर हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा लेफ्ट में जो डिजिट वो कोशियंट होगा। तो ऐसा है, आप डिवीजन बाय 10, 100, 1000, 10000 आसानी से कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए, नई नई चीज़ों को सीखते रहिए, और यह वीडियो सीरीज अगर अच्छा लग रहा है तो दूसरे स्टूडेंट्स को भी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी सीख सकें कुछ। और चैनल को रेड बटन दबा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।